बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में आमरा ये है कि यहाँ की फिल्मों में हकीकत कम फसाना ज्यादा होता है। कहने का आशय यह है कि मुंबईया फिल्मों में यथार्थ कम और कल्पना लोक का तड़का ज्यादा होता है। बॉलीवुड की फिल्में हमेशा से ऐसी बिल्कुल नहीं थी। बॉलीवुड की कई फिल्मों में भारतीय समाज और संस्कृति का यथार्थ चित्रण देखा जा सकता है। तब फिल्म निर्माता कल्पना लोक की कहानी नहीं बल्कि यथार्थ की जमीन से उपजी कथानक को ज्यादा तवज्जो देते थे। विमल रॉय ऐसे ही निर्माता निर्देशक थे। विमल रॉय आज अगर जिंदा होते तो 111 साल के होते, लेकिन 8 जनवरी 1966 को उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। 12 जुलाई 1909 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल के ढाका जिला में पैदा होने वाले विमल रॉय ने अपना फिल्मी करियर बतौर कैमरा असिस्टेंट शुरू किया था। विमल रॉय इटालियन न्यूरियलिस्ट सिनेमा से प्रेरित थे और आगे चलकर उन्हें सामाजिक और यथार्थवादी फिल्मों के लिए जाना गया। हिंदी सिनेमा के इतिहास में तड़क भड़क के बजाय गरीबी, भुखमरी और अन्य अभावों को दर्शाते फिल्मों ने विमल रॉय को पहचान दी। उनकी फिल्में समाज का सच दिखाने का काम करती थी। विमल रॉय की फिल्मों ने देश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम किया। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने विशेष रूप से 6 फिल्में, 2 बीघा जमीन, परनेता, मधुमति, सुजाता, देवदास और बंदिनी बनाकर यह साबित किया कि यथार्थवादी और समाजवादी फिल्मों को बनाकर भी नाम और दाम दोनों कमाया जा सकता है। विमल रॉय ने अपने फिल्मी करियर में 11 फिल्मफेयर पुरस्कार, 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कान फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते। उनकी फिल्म मधुमति को 9 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। आइए विमल रॉय की 35वीं पुण्यतिथि पर भारतीय सिनेमा में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करें और उनकी उन 5 फिल्मों की चर्चा करें जिसे हर किसी को जरूर देखना चाहिए। 2 बीघा जमीन फिल्मफेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली रॉय की पहली फिल्म थी। इस फिल्म ने 1953 में कान फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार जीते थे। निरुपा रॉय और बलराज सहानी अभिनीत यह फिल्म अकाल से पीड़ित पिता पुत्र की जोड़ी के संघर्षों के बारे में है। दिलीप कुमार अभिनीत विमल रॉय के देवदास प्रसिद्ध साहित्यकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास का पहला ऑन स्क्रीन रूपांतरण था। इस फिल्म में सुचित्रा सेन पारो और वैजयंतीमाला चंद्रमुखी के रूप में नजर आए। इस फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3रा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 1955 में बनी इस फिल्म को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिले थे। बंदनी फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में नूतन, अशोक कुमार और धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में थे। बंदनी एक महिला केंद्रित फिल्म थी। बंदनी ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। विमल रॉय की 1959 में रिलीज हुई फिल्म सुजाता में सुनील दत्त और नूतन मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म का कथानक तत्कालीन भारत में प्रचलित जातिवाद के आसपास था। इस फिल्म को कई फिल्मफेयर पुरस्कार मिले और आगे चलकर इस फिल्म को एक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1958 में रिलीज हुई मधुमति एक असाधारण रोमांटिक फिल्म है जिसमें दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला मुख्य भूमिका में थे। 9 फिल्मफेयर पुरस्कार के अलावा इस फिल्म को हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था।